पहला तो मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा ईशा जी का, जिन्होंने फर्स्ट टाइम है, उनका फर्स्ट टाइम है ये गाना उन्होंने किया है, और हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये फर्स्ट इसमें इतना अच्छा इन्होंने काम किया है। पहला तो वो गाने में जो ये पूरे चब्बी चब्बी जो हमारे प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने तो चब्बी चब्बी करने को बोला क्योंकि वो वैसा गाना था, तो उन्होंने वो अपना वेट बढ़ाया भी और उसमें डांस भी किया जो जो वो अच्छा हो सके, तो हम लोग ने सोचा था उससे ज़्यादा ही अच्छा किया इन्होंने। तो पहला तो आप लोग जितना भी है ना मीडिया वाला, इनको सपोर्ट करो, ये अभी आ गए हैं इसमें, तो आगे भी बॉलीवुड में जितना हो सके इनको सपोर्ट करना आप लोग। सर, इसके पहले भी आपने कोई एल्बम किए कि इससे पहले एल्बम है? नहीं नहीं, मैंने इसके पहले सबको मालूम मुंबई में काबा किया मुंबई मचान वो किया। अभी मैं एक वेब सीरीज करके आया हूँ, मैं यहाँ था अयोध्या में था, वो वेब सीरीज का नाम है दौलतगंज। वो बाद में देखेंगे, अभी जो लॉन्च हुआ उसके बारे में पूछिए ना। ईशा जी, अक्सर देखा है कि लोग गाने में या फिल्मों में आने से पहले वेट कम करते हैं, आपने वेट बढ़ाया है? एक्चुअली सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट वीडियो, सो जो डायरेक्टर की डिमांड थी, एक्चुअली इस गाने की डिमांड थी कि मुझे थोड़ा सा चब्बी दिखना था, थोड़ा सा हेल्दी दिखना था, क्योंकि ये गाने की वर्डिंग्स ऐसी थी, तो इस वजह से मैंने स्पेशली वेट गेन किया था। और मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मेरा ये वेरी फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे नहीं पता था कि लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, पर फिर भी बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमने ये किया और दैट्स इट। जी एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, एक्चुअली नर्वस अपने आप को लेके थी कि कैसे प्रेजेंट करेंगे, लेकिन माइको एक्टर हिंदुस्तानी भाव, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत कंफर्टेबल किया, इनफैक्ट मेरी टीम ने भी द बकेट लिस्ट, स्पेशली थैंक्स टू फैजल सर कि उन्होंने इतने अच्छे से मुझ पर ट्रस्ट किया और मेरा ये सॉन्ग किया, एंड स्पेशली श्वेता पुजारा माय कोरियोग्राफर, शी सपोर्टेड मी अ लॉट इन दिस, एंड आरुषि जजुड़िया फॉर गिविंग मी अ बेस्ट लुक इन दिस। ये कहानी नहीं बोल सकते, ये फुल मजे वाला वीडियो है, बस लगाओ फुल डांस, हाँ इसमें खोटे नाटक जरा भी नहीं, वो हाँ प्यार मोहब्बत में धोखा नहीं बिका कुछ नहीं, बस डांस करो बस और कुछ नहीं। इसमें पंजाब का वो एलओसी सिंगर भी है, उसने भी गाना गाया और थोड़ा कुछ महीने भी उसमें बड़बड़ाए, वो अभी सुन लेना थोड़ी देर में। तो बहुत मज़ा आया, ये स्टार्टिंग में थोड़े नर्वस थे कि कैसा होगा, क्योंकि फर्स्ट होता ना, जब किसी का भी वो फर्स्ट टाइम होता है ना, तो फिर वो इतने सामने क्राउड के बीच में वो करना, हाँ मगर इसको सैल्यूट है, इसने फुल एकदम कॉन्फिडेंस से जो किया है ना उधर। कितनी टिप्स आपने दी थी? मैं क्या टिप्स देगा, वही मेरे को दे रहे थे टिप्स, ऐसा नहीं ये ऐसा करो, वैसा नहीं ऐसा करो, ऐसा बोला ये बोला नहीं। एक्चुअली मैंने इन्हें कहा कि आप थोड़ा इस वीडियो में डिसेंट रहिए, जो कि ये थे उसके अंदर, बहुत ही अलग इन्होंने प्ले किया है, जो इन्होंने हमेशा कैमरे पे किया है वो नहीं किया है इस वीडियो में, बहुत अलग किया है, जब आप देखेंगे सॉन्ग आपको पता चलेगा। तो आपने साइलेंस से बोला है कि डांट लगाया? नहीं नहीं, मैंने बस उन्हें समझाया, मुझे कोई डांट लगा सकता है? नहीं मतलब कोई बोला, तू क्यों नहीं बोला? जी एक और बात है जो मैं अपनी वीडियो के लिए कहना चाहूँगी कि दिस इज़ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट सॉन्ग, फुल ऑफ मस्ती सॉन्ग, इसके अंदर कुछ भी वल्गैरिटी नहीं है, ये बहुत ही पॉश क्लीन सॉन्ग है, सो प्लीज़ इन्जॉय दिस सॉन्ग, एंड एज यू ऑल नो दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट वीडियो, सो जस्ट गिव मी अ ब्लेसिंग्स, गिव मी अ सपोर्ट फॉर माई स्टार्टिंग करियर, दैट्स इट।
भाऊ, आपने सुना है कि आपकी एक मूवी भी आने वाली है बॉलीवुड के बहुत बड़े, मैं नाम रिवील नहीं कर रहा, अगर आप रिवील करें तो अलग बात है, तो एज अ विलन आप उस मूवी में आ रहे हो, तो कुछ कहना चाहोगे उस मूवी के बारे में? एक बहुत बड़े बॉलीवुड के एक्टर है, जाने माने, तो उनके साथ एक मूवी अभी कर रहा हूँ मैं। छोटा सा रोल है मगर मेरे लिए वो फर्स्ट बॉलीवुड का बहुत बड़ा एंट्री है। देखो दुआ में याद रखना, अभी तक तो आपने मेरे को इतना सालों से देख रहा हो, आपने मेरे को प्यार ही दिया है, और जब भी आता हूँ तो पहला तो बस अच्छा लगता है आप लोगों को देख के। हाँ, ऐसे क्या है वो, मतलब विलेन का रोल है? मेरे को कोई हीरो का रोल देगा सौ बात की एक बात, हीरो का कोई बोलेगा कि हीरो, मेरे को विलन ही बनाएंगे क्योंकि हरकतें मेरी विलन जैसी है। हाँ, तो विलन का ही रोल है उसमें, मगर बहुत बड़ा पिक्चर है वो, अभी नाम नहीं मैं कर सकता हूँ, मगर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। मैं ए बाबा उधर क्या नाच रहे ले, इधर भी आओ ना, ए आइटम लोग तुम काय को उधर खड़े लिए? अरे पहले बंदे को जाँचने का, और भाऊ ने बोला नाचने का तो नाचने का। थैंक यू। क्या क्या, हाँ उनको बहुत सारी ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं, क्योंकि वो इंसान ने मेरे को बिग बॉस में जो प्यार दिया ना, जब मैं अकेला खुद को महसूस करता था, तो वही एक था जो वीकेंड के वार में आके मेरे को एकदम ताकत देता था। तो वो बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने नहीं देखा, मैंने देखा ही नहीं, और काफ़ी लोग को मैं पूछा हूँ कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है, तो वो मेरे को बोलते हम लोग भी नहीं देखा, तो अभी करे क्या। देख मेरा कैसा मालूम है, जिसको एक बार अपना मान लिया ना तो फिर जिंदगी भर, फिर और जो दिमाग में गया ना तो फिर भी जिंदगी भर ऐसा है। भाव आगे अभी किस तरह का सॉन्ग और आपका आने वाला है अपने फैंस? मैं अभी और तीन सॉन्ग कर रहा हूँ, दो वेब सीरीज कर रहा हूँ, एक बॉलीवुड कर रहा हूँ, हो जाएगा थोड़ा थोड़ा आपके आशीर्वाद। स्पेशली ये सॉन्ग के लिए आपके फैंस का क्या रिव्यू है, क्या कितना पसंद है आपके? देखो हम तो मज़े ही करते हैं, तेरे को मालूम है, कितना टाइम से मालूम है, फुल धमाल ही करता है मैं, वो मेरा सॉन्ग रहने दो, किसका किसी का भी सॉन्ग रहो, रात हो गया बेटा है तो फिर लगना मांगता है गाना। हाँ ऐसा है। अभी इस सॉन्ग में भी आपने कुछ थोड़ा लाइन गाया है, तो क्या आने वाले समय में आपका एक पूरा गाना आ सकता है? नहीं नहीं नहीं, सॉन्ग या एक पूरा एल्बम? बस बस क्या होता है मालूम है, जो चीज़ें जिसको करनी है ना, जिसको नॉलेज है वो करेगा, अच्छा लगता है ना। अभी कैसे इन लोग प्यार से बोलते हैं कि भाऊ ये थोड़ा सा बोल दो, तो थोड़ा सा बोल देता है मैं, मगर जिसका वो काम है ना सिंगिंग का, वही करेगा तो अच्छा लगता है ना। सेट का माहौल कैसा था? भाऊ है साथ में तो मज़ा ही आ गया, कैसा माहौल था सेट का? बहुत अच्छा था, बहुत नया एक्सपीरियंस था, और हमने एक टीम की तरह काम किया है इस एल्बम में, और आई थिंक कि जो मेरे को एक्टर्स थे विकास हिंदुस्तानी भाव और एलओसी स्टार बॉय, उन लोगों ने भी बहुत मुझे कंफर्टेबल किया, सो इस वजह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। महल था, महल जिसमें हम लोग ने किया ना वो महल था किसी का, बहुत ज़बरदस्त था, वो ज़बरदस्त था। हाँ शूटिंग के दौरान, यानी मेरे को आज भी याद है 19 तारीख को मैं सुबह पहुँचा, और मैं शाम को मेरी शूट चालू थी, और रात को 11:30-12 बजे में मेरे घर से कॉल आया कि माँ की तबीयत बिगड़ गई, तो रातों रात मैंने वो छोड़ के निकल गया था, तो वो एक हादसा मेरे साथ हुआ था, तो रातों रात मैं छोड़ के सुबह के फ्लाइट से निकल गया था, वो एक अच्छा एक हादसा हो गया था, बाकी सब उधर सही था। हाँ जी, उसी दिन 19 को था ना अपना, 19 को था, और मैं 20 के सुबह की फ्लाइट पकड़ के इधर आ गया,
क्योंकि उनसे बढ़कर नहीं ना कुछ, जब बिग बॉस छोड़ के आए उनके लिए तो फिर ये क्या चीज़ है, हाँ इसके लिए दुनिया छोड़ देंगे। सबसे बड़ी बड़ी माई होती है, हाँ डायरेक्टर और जो थे उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फैजल भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सपोर्ट किए, बहुत अच्छा। यानी उनके साथ मैंने जब पहला गाना किया था, उन्होंने ये किया था, तब मेरे को एक्टिंग विक्टिंग मालूम नहीं था, तो वो गाना था वो पैक का है, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था, भाऊ ऐसा कर सकते आप टेंशन मत लो, आप कैसे कर सकते। तो वो करने के बाद मेरे को उनके साथ घर जैसा रिश्ता हो गया। वो फिर गजाला भाभी उनकी वाइफ और एक शोएब करके अपना जो प्रोड्यूसर है, बच्चा अपना छोटा भाई है, वो भी सपोर्ट किया उन्होंने। फिर उसके बाद मैं उनके साथ मुंबई मचान किया, फिर स्ट्रॉबेरी किया, और भी फ्यूचर में बहुत सारा ऐसा सोचा है, करेंगे। ये एक्टर्स है गाने में के साथ, भैया क्या कहेंगे आज लोगों का इंजेक्शन गाना लॉन्च हुआ है? देखिए संगीत जो चीज़ है कि संगीत की बातें जब होती है तो हम वहाँ होते हैं, क्योंकि हम भी संगीत के और माँ शारदे के पुत्र हैं, ये भी पुत्री हैं, और इस गाने से लॉन्च हुई है। आगे क्या था नहीं था मुझे पता नहीं, बट इस गाने में इन्होंने ये बहुत खूबसूरत लग रही है, और भाव तो दिल का राजा है। इनके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, हम लोग दोनों भाई बिग बॉस में थे और एक अलग हम दोनों की तिकड़ी थी, कि हम और, ही थे जो और, दूसरे और को समझते थे। केसरी भाई का ना एक ना मजा क्या आता था मालूम है, केसरी भाई ने गाना गाते थे वहाँ पे, क्या गाना था मालूम है? हर कदम पर कोई का दिल है कहाँ जाए कोई, क्योंकि हर कोई उधर कातिल ही था, सुबह उठता था इसकी उंगली कर उसकी उंगली कर, ये बहुत बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। थैंक यू भाव, और ये भाव का प्यार है, क्योंकि हम दोनों ने जो बिग बॉस का सफ़र तय किया बड़ा हम लोगों ने, और भाव के बारे में मैं जितना पहले सुना था बिग बॉस में जाने के बाद मेरी नज़रिया ही चेंज हो गई, और भाव एक अच्छे इंसान और इतने अच्छे इंसान हैं, सामने से दिखते हैं उससे बेहतर ही इंसान है, और मुझे इनसे प्यार हुआ। बट इतने सारे पार्टियाँ बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट थे सबके पास हुआ, बट मैं किसी में नहीं गया, लेकिन इनकी मोहब्बत मेरे प्रति और इनके प्रति मेरी जो मोहब्बत है वो मुझे खींच लाई, और अच्छा लगता है इनसे मिलने के बाद, एक ऊर्जा मुझे आती है, और इनको मिस करते रहता हूँ भाई, मगर मेरा फोन नहीं उठाते भाई इनका सॉरी इनका नंबर सेव नहीं था इसके वजह से, और मैं 2 महीने से लंदन में था अपनी फिल्म की शूट कर रहा था, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रहा था, उसके लिए सॉरी भाव। मेरी शुभकामना है, ये लव का इंजेक्शन अभी तक तो मैंने लव प्यार करते हुए देखा है, लेकिन आज के डेट में भाव इंजेक्शन भी बेचने लगे लव का, ये बड़ा कायदे का है। तो जिस आदमी को प्यार जो लड़कियां भाव नहीं देती है वो भाव के पास आए और एक इंजेक्शन ले जाकर उसको लगा दो। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना चल रहा है, अरे तो वैक्सीन समझ के लगा दो ना अब आपको कोरोना के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लव का इंजेक्शन भाव के पास है, एक लगा लो कूदते रहो। 2 फरवरी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है ना, लगा लगा के उसके बाद पार्क में मिलो सबके साथ क्योंकि जब का इनका लव का इंजेक्शन आपको नहीं लगेगा तब तक मोहब्बत पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई का जो लव का इंजेक्शन है, मेरी दुआएं हैं अपने बड़े भाई के लिए कि इतना बड़ा हो कि इंडस्ट्री में एक नया मोड़ आए, और इनके लिए मैं शुभकामना दूंगा कि इतनी बड़ी हो कि इनके पास आने के लिए मुझे भी परमिशन लेना पड़े। मैं आज आया हूँ इस लॉन्चिंग में अपने भाव के, ये भाव दुनिया के लिए होंगे लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरे लिए यही बड़ी बात है कि अपने भाई के लिए, अपने गार्जियन के लिए, ये मेरे पिता तुल हैं, बड़ा प्यार करता हूँ इनको, और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत मिस करता है। जब भी याद आता ना मेरे को, कोई उंगली करता है तो मेरे को पहले इनका याद आता है वो गाना, हर कदम पे कोई का दिल है कहाँ जाए कोई, बस यही दुआ है हमारी कि इन पूरे टीम के साथ, इनके साथ जितने भी टीम इसमें काम की है, चाहे वो क्राउड में हो या कैमरामैन में हो, सबका भविष्य उज्जवल हो, मैं दुआ ही दे सकता हूँ, आशीर्वाद तो मैं खुद ही अभी ले रहा हूँ। तारी भाई क्या फिर से दोनों बिग बॉस में जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं मैं भी नहीं हमने जितना करना था हम कर चुके हैं, हमारी असलियत जो लोगों को देखनी थी वो देख चुके हैं कि हमारी असलियत क्या थी,
जिनको और दिखाना है वो दिखाएं, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ था और करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म था सिर्फ अपने पहचान को बताने के लिए कि हम अंदर से जो हैं वो बाहर से भी उतना ही कुल हैं और लोगों के पास मिलते हैं तो एक भाई की तरह, एक भविष्य की तरह कि उनके प्यार में है, उनके दुलार में है, यही हमारे समझ लो वो गाना ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगाते हैं लोग, वो समझ लेना वही चेहरे। अब देखेंगे भोजपुरी पिक्चर में भी हिंदुस्तानी भाव साथ में दिखेंगे। अरे हिंदुस्तानी भाव हमारे दिल में है, तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो है ही है ये। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इन्होंने काम किया है तो मेरी दुआ है और शुभकामना है कि हम साथ में मिलकर जरूर काम करेंगे। ऐसा अवसर आया तो मैं जरूर भाव को याद करूँगा, क्योंकि अब भोजपुरी को प्रॉब्लम तो होगी ना, तो पहले इनको सिखाना पड़ेगा मुझे, फिर हम लोग बैठना पड़ेगा साथ में, उसके बाद हम करेंगे ना, हमारे भाई है कहाँ दूर हमसे थोड़ी है। लव यू ऑल। वो तो हमारे पिता तो हैं और भोजपुरी नहीं, मुझे लगता है इंडस्ट्री के भगवान है और भगवान के जुबान पे अगर मेरा नाम आता है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होता है। और उस भगवान को सैल्यूट है कि कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने हमारा नाम लिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद उस भगवान को कि उनके नज़र में मेरा भी एक नाम है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लव यू ऑल, थैंक्स। बहुत अच्छा लगा भाऊ को, हमारे शुभकामनाएं आगे के, अभी वो बहुत छोटा काम किया, ये तो बहुत छोटा है हमारे सामने भाऊ के सामने ये, ताकि और बड़े लेवल पे कर रहे, हमारी ऐसी इच्छा है और पूरी दुनिया मेरी फैन है पर मैं भाऊ का फैन हूँ। हमारे जान टाइटल है लव का इंजेक्शन। हाँ हाँ, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे इंजेक्शन ही देते हो सबको, सब लोग क्यों प्यार करते भाऊ को, भाऊ से लव का ही रहता है इंजेक्शन उनका, जहाँ भाव है वहाँ पिक से, मगर वो अलग इंजेक्शन रहता है ना मेरा, नारियल पानी वाला, कुरकुरे वाला। गाना कितना अच्छा लगा आपको, गाना सुनने कितना अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ईशा जी का पहला वीडियो और पहला गाना है ये, इस हां उनके लिए भी शुभकामनाएं दीजिए भाई। थैंक यू। बोलिए ना जी, क्या कहेंगे सभी वाले, इनका एक्टिंग बहुत अच्छा लगा, अच्छा किया उनका डांस बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया उनका डांस। सर आपसे सवाल है, गोल्ड पहनना कितना पसंद है आपको, ये बचपन से कॉलेज ही इनका है। कितना वेट है ये जो बात कर रहे हैं, ये 6 kg है, 4.5 kg। तो ये मतलब पहली बार आपको कब, आपको लगा कि पहनना चाहिए, बचपन से ऑलरेडी बहुत इनकम टैक्स के नोटिस आए, अभी नहीं चाहता मैं और नोटिस आए मुझे। चलो थैंक यू, दोनों ने बहुत वेरी कंफर्टेबल और लोगों को बहुत ही पसंद आया जो मैंने, ये दोनों, एक ये और ये श्वेता और ये बच्ची, ये दोनों पहला तो कोरियोग्राफर, मेरे को डांस आया नहीं, इन लोग ने जो मेहनत की है मेरे पे डांस सिखाने की, पहला तो इन लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। दूसरी है प्यारी सी बच्ची, इन्होंने मेरा पूरा डिज़ाइन, कपड़े का डिज़ाइन का पूरा इसने किया, इसका भी उसने ही किया, तो ये ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दो जो अभी तक ना दिख रहे नहीं, सिर्फ बड़े बड़े बेटे ना, तो कम से कम इन लोग को भी ना थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिलता है, समझे, तो आप लोग जरा इनके लिए प्रे करो। हाँ क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे भाऊ के साथ, भाऊ के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, जैसे मतलब पता ही नहीं चलता है कि मतलब कोई इतने बड़े स्टार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, भाऊ मतलब जिसके साथ मिल जाते हैं एकदम घुल मिल जाते हैं और कोई उनके सामने मतलब नीचा नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं और एकदम दिल से काम करते हैं। क्या भाव को स्टेप सिखाना या कोरियोग्राफ करना डिफिकल्ट था के बराबर? हाँ डिफिकल्ट तो नहीं था, बट हाँ वो खुद भी कोरियोग्राफ कर लेते थे स्टेप्स को, अपना भी स्टाइल डाल के, क्योंकि मेरे को मालूम ये तंगड़ी ऐसी घूमेगी नहीं, तो मेरे हिसाब से कुछ भी तंगड़ी घुमाता था, इन लोग बोलते थे ऐसा नहीं, फिर समझ में आता था कि अपन ने कुछ अलग किया ना। इसने बहुत मेहनत किया, ईशा ने जो मेहनत किया है ना, एक्चुअली जो मैंने मेहनत की है उसका पूरा क्रेडिट श्वेता पुजारा को जाता है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की है और इस बेस्ट लुक के लिए जो मुझे इसमें दिया है वो आरुषि जजोड़िया ने दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड।